हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए थे। हाथरस भगदड़ मामले में गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी ने डीएम हाथरस आशीष कुमार और एसपी निपुण अग्रवाल से लेकर सत्संग की अनुमति देने वाले एसडीएम और सीओ सिकंदरा राव, 2 जुलाई सत्संग की ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों के बयान भी दर्ज किए हैं। सत्संग में मृतकों के परिजनों और घायल श्रद्धालुओं के भी बयान दर्ज किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में सत्संग आयोजित करने वाली कमेटी के द्वारा अनुमति से अधिक लोगों के बुलाने, नाकाफी इंतजाम के साथ साथ अनुमति के बावजूद के बाद मौके पर अफसरों के द्वारा मुआयना नहीं करने को घटना का जिम्मेदार बताया है। तो सबसे बड़ा सवाल था कि हाथरस में जो पूरी घटना हुई उसका आखिरकार कौन जिम्मेदार है, तो एसआईटी ने बड़ा खुलासा करते हुए बड़ी जानकारी दी है। हाथरस में हुई भगदड़ की घटना के मामले में हाथरस एसपी निपुण अग्रवाल ने बताया कि मुख्य आरोपी और कार्यक्रम के आयोजक देव प्रकाश मधुकर और 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम जुटी हुई है। हाथरस भगदड़ की घटना पर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं, प्रभु हमें इस दुख की घड़ी से उभारने की शक्ति दे, सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। तो फिलहाल के लिए हाथरस भगदड़ कांड में सबसे बड़ा खुलासा है, सबसे बड़ी खबर है कि एसआईटी टीम ने पूरी जांच की है और अधिकारियों के बयान दर्ज किए हैं और उन्होंने ये बताया है कि इसके साथ साथ मधुकर के साथ साथ 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।